Hello student, good morning and welcome to the organic class. आज फिर हम लोग नए लेक्चर के साथ उपस्थित हैं आप लोगों के बीच. तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का क्या कॉन्सेप्ट है. मैंने एक एटॉम का डायग्राम बना के बताया था आपको और इलेक्ट्रो जो फाइल था उसका डेफिनेशन भी बताया था मैंने और एक साधारण सा रिएक्शन बना के आप लोगों को बताया. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. तो आज हम लोग फिर उसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं और हमें एक्चुअल में बनाना क्या है, एराइल हैलाइड. क्या बनाना है? एराइल हैलाइड. तो हमें देखना है कि किस प्रकार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे लिए उपयोगी है, इसका क्या यूज है हमारे 12th की केमिस्ट्री में, या हमें एराइल हैलाइड कैसे बना के देगा, ये हमें उस चीज को देखना है. तो अब हम उसी चीज को थोड़ा सा एक बार रिकैप कर देते हैं. हमने देखा था कि सी नंबर दिया गया था जिसका हेडिंग मैंने लिखा था इलेक्ट्रोफिलिक बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, ये हेडिंग था हमारे पास. इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा. ठीक है, क्या लिखा हमने? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा. यह हमारे पास हेडिंग था. मैंने इसमें बताया था कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, यानी वहां पे मैंने एक डेफिनेशन बताई थी आपको कि वैसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो किसी इलेक्ट्रोफाइल के आक्रमण के द्वारा संपन्न होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, फिर उसमें हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है. तो ऐसा समूह जिसके पास बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की खींचने की क्षमता हो तथा जिसे इलेक्ट्रॉन के साथ एडमेंस नेगेटिव चार्ज के साथ प्रीति, यानी जिसका नेगेटिव चार्ज के साथ स्नेह हो उसे हम लोग क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रोफाइल. यहां तक मैंने बता दिया था. एक रिएक्शन बना के भी मैंने बताया था कि मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज वाला एटम है और उसका रिएक्शन मैंने कराया दिया था इलेक्ट्रोफाइल के साथ. तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के ऊपर. कहां अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के ऊपर. और यह बन गया था अपने पास सी सिंगल बॉन्ड ई. यहां तक हो गया था. अब देखिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड का काम है ये, कि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर क्या है. ठीक है,
तो मान लीजिए सपोज दैट मैंने पहले भी बता रखा है कि ए है और बी है, दो सब्सट्रेट है अपने पास और दोनों कोवेलेंट बॉन्ड के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए। तो मान लीजिए सपोज दैट बी का जो अगर ये बॉन्ड टूट रहा है बीच में, इस बॉन्ड का क्या हो रहा है, विखंडन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। तो मान लीजिए सपोज दैट बी का जो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है वह ए से क्या है, ज्यादा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वह खींच के बी अपने पास क्या कर लेगा, अपने पास कर लेगा और अपने ऊपर कौन सा चार्ज बना देगा, निगेटिव चार्ज। और जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी ए पर क्या आ जाएगा, यहां पे लिखते हैं हम केस फर्स्ट, क्या लिखते हैं, केस फर्स्ट में हो जाएगा ए पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और बी पे दो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, और यह कहलाता है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, या इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट सेंटर, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट। अब मान लीजिए कि ए का जो पावर है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर जो है ए का, वह ज्यादा हो जाए बी से, तो इस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, ए के पास, और बी पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ए पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो उस केस में जो है बी बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर और ए बन जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वह हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करता है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वह हमेशा इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर पे अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करता है, यानी इलेक्ट्रॉन ऑलवेज अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर एंड न्यूक्लियोफाइल्स ऑलवेज अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। तो देखिए इस सेंटर पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, इस सेंटर पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, और इस सेंटर पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, कौन अटैक करेगा इस पर, न्यूक्लियोफाइल, यहां पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अरे थोड़ा सा बात समझ में स्टूडेंट, यह बहुत ही जरूरी चीज है, इस कंसेप्ट को याद रखना बहुत जरूरी है, अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में फर्क समझ में आता है तब, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद में है कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, या किसी बुक में जल्दी से नहीं मिलता है, जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें ये सब चीजें दिया हुआ है, लेकिन आपके बुक में आई होप ये चीज नहीं मिलेगा, इसलिए इसे आप लिख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, तो अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पे, कहां आया जाए, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, क्या लिखा जाए, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या देखना है हमें, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के प्रॉपर्टी है,
पहला हम लोग देखते हैं, इट इज सोल्ड बाय या इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई पॉजिटिव। क्या चीज से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ई पॉजिटिव के द्वारा। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट? ई पॉजिटिव के द्वारा। दूसरा है इट ऑलवेज, इट ऑलवेज अटैक ऑन, इट ऑलवेज अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। इट ऑलवेज अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, या हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करता है, या हमेशा कहां अटैक करता है? इट्स ऑलवेज अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। अरे बात समझ में। थर्ड जो इसका है प्रॉपर्टी, थर्ड जो प्रॉपर्टी है वह है, थर्ड प्रॉपर्टी यानी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई पॉजिटिव, इट ऑलवेज अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। थर्ड है इट हैज कैपेबिलिटी, इट हैज कैपेबिलिटी या कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट, टू अट्रैक्ट बाउंडेड, बाउंडेड पेयर ऑफ, बाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो कितने प्रॉपर्टी आ गए अपने पास? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई पॉजिटिव, यानी इसे क्या चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? ई पॉजिटिव के द्वारा। सेकेंड जो प्रॉपर्टीज है, इट्स ऑलवेज अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, या हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर क्या है। थर्ड जो है, इट हैज कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास जो है वह बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्या होती है? प्रबल क्षमता होती है। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास है क्या, और उसको कौन अट्रैक्ट करता है? इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट करता है। तो ये इसके क्या है? प्रॉपर्टीज है। आप लोग राइट डाउन इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, मिटा रहा हूं इसको। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देखिए इलेक्ट्रोफाइल के जो है वह दो टाइप है। पहला है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, पहला है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल कहने का क्या मतलब है? जिस इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, जैसा हमारे पास आ जाता है बी आर पॉजिटिव, सी एल पॉजिटिव, एनओ टू पॉजिटिव,
एनओ पॉजिटिव और भी आ जाता है सी एच थ्री पॉजिटिव, एसओ थ्री एच पॉजिटिव ईटीसी। ये सब किसके उदाहरण है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल के। अब देखिए सेकंड केस जो है, सेकंड इसका क्लासिफिकेशन जो है वह है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। यानी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल इट मींस क्या, इलेक्ट्रोफाइल जो है वह न्यूट्रल भी हो सकते हैं, चार्जलेस भी हो सकते हैं। यानी सेकंड जो है वह है न्यूट्रल यानी उदासीन, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है स्टूडेंट, यानी उदासीन इलेक्ट्रोफाइल। इसके भी उदाहरण हैं, इसके भी उदाहरण हैं जैसे ZnCl2, AlCl3, BF3, BF3, FeBr3 एक्सेट्रा, FeCl3। ये सब किसके उदाहरण है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के उदाहरण है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो हमारा था वह बेसिक था, वह मैनली जो ये सब चीजें हैं वह 11th क्लास की चीजें हैं। लेकिन इसका एप्लीकेशन हमें करना है 12th के अंदर। इसका एप्लीकेशन हमें करके हमें बनाना है एराइल हैलाइड। क्या बनाना है? एराइल हैलाइड। तो अब हम लोग बनाते हैं, अपना मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि हम इसका उपयोग करके एराइल हैलाइड कैसे बनाते हैं। तो अब मेन रिएक्शन के ऊपर आते हैं। ये हमारे पास हो गया बेंजीन रिंग। क्या हो गया हमारे पास? बेंजीन रिंग। इसका मैंने रिएक्शन कराया Br2 के साथ। किसके साथ कराया? Br2 के साथ। और जो मैं यहां पे इलेक्ट्रोफाइल लिया, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल लिया, वह है FeBr3। क्या है अपने पास? FeBr3। तो यह अपने पास बन जाता है Br प्लस बाहर निकल जाता है HBr। क्या बाहर निकल जाता है? HBr प्लस एक और चीज बाहर निकल जाता है FeBr3। क्या बाहर निकल जाता है? FeBr3। तो यह एक है एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, या इसको बोल सकते हैं ब्रोमो बेंजीन। क्या बोल सकते हैं? ब्रोमो बेंजीन। सो स्टूडेंट यहां पे ध्यान दिया जाए, यह हमने क्या ले लिया है? एक इलेक्ट्रोफाइल लिया है। क्या लिया है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या? यह एक अटैकिंग रिएजेंट है, यह हमारे रिएक्शन कराने में हमारा मदद करता है। ठीक है, तो इसने क्या किया? रिएक्शन करवाया और हमें क्या बना के दे दिया? एक एराइल हैलाइड बना के दे दिया, एक ब्रोमो बेंजीन बना के दे दिया। अब यह रिएक्शन हुआ कैसे? हम सबसे पहले देख सकते हैं कि यह रिएक्शन आखिर में हुआ कैसे, कैसे यह रिएक्शन संभव हुआ, किन यह रिएक्शन संभव हुआ। तो इसका हम लोग मैकेनिज्म भी बना सकते हैं। एक और इसका रिएक्शन देख लिया जाए Cl के साथ। यहां पे ले लिया जाए Cl2 और एक इसके साथ ले लिया जाए इलेक्ट्रोफाइल, ले लिया जाए AlCl3। क्या ले लिया जाए? AlCl3। और इसका स्टेट कैसा रहेगा? अनहाइड्रस। कैसा रहेगा? अनहाइड्रस, अनाद्र। यानी इट मींस ना इसका स्टेट लिक्विड ही रहेगा, ना इसका स्टेट सॉलिड ही रहेगा, सेमी लिक्विड के फॉर्म में यह उपस्थित रहता है। फिर हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? Cl प्लस बाहर क्या निकल जाएगा? HCl। क्या बाहर निकल जाएगा? HCl। अब इस रिएक्शन को कैसे बता सकते हैं, इसका डेफिनेशन हम कैसे बता सकते हैं? देखा जाए
तो यहां पे हमने एक हेलोजन लिया है ब्रोमीन और एक हेलोजन लिया है क्लोरीन, लेकिन हमने फ्लोरीन क्यों नहीं लिया है? फ्लोरीन जो है फ्लोरिनेशन इस प्रक्रिया द्वारा नहीं होता है, क्योंकि जो फ्लोरीन का अट्रैक्शन है, जो फ्लोरीन का आकर्षण है, वह हाइड्रोजन के प्रति क्या होता है? अधिक होता है। तो स्पीड इतना ज्यादा हो जाता है कि अभिक्रिया हो नहीं पाता। अभिक्रिया में क्या होता है? फिजन होता है, अभिक्रिया में ब्लास्ट हो जाता है, इसलिए इस रिएक्शन के अंदर फ्लोरीन का उपयोग नहीं किया जाता। तो इसका डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, इसका परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं? तो इसमें लिखा जाएगा, जब बेंजीन का जब बेंजीन का जब बेंजीन का जब बेंजीन का क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन बेंजीन का क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन मैं एक शब्द में लिख दे रहा हूं, हैलोजिनेशन। जब बेंजीन का हैलोजिनेशन यहां पे x बराबर कोस्ट में आपको लिख देना है, x बराबर Cl रहेगा और Br, Cl रहेगा और Br रहेगा। हैलोजिनेशन इलेक्ट्रोफाइल के उपस्थिति में इलेक्ट्रोफाइल के उपस्थिति में किया जाता है तो एराइल हैलाइड की प्राप्ति होती है, एराइल हैलाइड की प्राप्ति एराइल हैलाइड की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्या लिखा हमने? जब बेंजीन का हैलोजिनेशन इलेक्ट्रोफाइल की उपस्थिति में होती है तो क्या प्राप्त होता है एराइल हैलाइड की प्राप्ति होती है। यानी यहां पे हमें क्या प्राप्त हुआ? ब्रोमोबेंजीन। यहां पे हमें क्या प्राप्त हो गया? क्लोरोबेंजीन। तो ये दोनों कौन से प्रोसेस हो रहे हैं? ये दोनों हैलोजिनेशन हो रहे हैं, और किसकी उपस्थिति में यह रिएक्शन हुआ है? इलेक्ट्रोफाइल की उपस्थिति। यानी इलेक्ट्रोफाइल को मैंने पहले ही बता दिया है कि यह एक आक्रमणकारी अभिकर्मक होता है या एक अटैकिंग रिएजेंट होता है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कराने में क्या होता है? मदद करता है, सहायता करता है, और अपना काम करके फिर एजेटिक रिएक्शन से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। यह हमारे पास आएगा, इसका जब मैकेनिज्म हम देखेंगे, इसके मैकेनिज्म के द्वारा यह क्लियर हो जाएगा कि यह कैसे रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है या कैसे रिएक्शन को करा रहा है। तो अब हम इसका देखते हैं मैकेनिज्म, या आप इसको पहले आप राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद फिर रहेगा आपका यह रिएक्शन, रिएक्शन के बाद आपका रहेगा मैकेनिज्म। अरे थोड़ा सा बात समझ में, यानी सबसे पहले क्या रहेगा? डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद क्या रहेगा? रिएक्शन। रिएक्शन के बाद क्या रहेगा? इसका मैकेनिज्म, क्रियाविधि। अब देखिए एग्जाम में यह कैसे आता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रोफाइल कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है, तो वहां पे आपको बताना है, सबसे पहले डेफिनेशन देना है और फिर इसका रिएक्शन लिखना है। अगर मैकेनिज्म पूछा जा रहा है आपसे, आपसे बताया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसका मैकेनिज्म भी बताएं, तो आपको इसका मैकेनिज्म बताना है, इसका क्रियाविधि बताना है, वरना वहां पे आपको क्रियाविधि बताने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जानना हमें जरूरी है, इसको समझना जरूरी है, आखिर मैंने इनपुट लिया, आउटपुट कैसे बन गया, इसका क्या इंपोर्टेंस है हमारे रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल का। तो वह सब समझने के लिए हमारे लिए रिएक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, जरूरी है।
तो इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं पहले। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसका हम देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि अर्थात क्रियाविधि। तो स्टेप फर्स्ट क्या देखना है इसमें हमारे पास, स्टेप फर्स्ट या मैकेनिज्म जो है या तीन पार्ट में होता है। स्टेप फर्स्ट सबसे पहले जो है कोई भी एक एग्जांपल ले लिया जाए, एएलसीएल थ्री का हम लोग मैकेनिज्म बना लेते हैं। इसका मैकेनिज्म बना लीजिए एएलसीएल थ्री का। तो सबसे पहले हम लेते हैं सीएल और क्या लिया जाए सीएल, सीएल लिया जाए और सीएल लिया जाए Cl2, ऐसे भी लिख सकते हैं Cl2 का हम लोग। और इसके साथ हमने कौन सा इलेक्ट्रोफाइल लिया है AlCl3, क्या लिया है AlCl3। अब देखिए मान लीजिए सपोज दैट कि इस Cl पे क्या है नेगेटिव चार्ज और इस Cl पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, यानी जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वह कहां रहेगा Cl के पास। तो एक Cl उठ के इसके साथ चला आता है और प्रोडक्ट बना देता है एल एल सी एल फोर और इस पे कौन सा चार्ज नेगेटिव चार्ज प्लस सी एल एक बच गया उस पे कौन सा चार्ज रहेगा पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा सा आ रहा है बात समझ में, यानी यह इलेक्ट्रोफाइल है तो यह वहीं पे अटैक किया जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या है अधिकता, इलेक्ट्रॉन की क्या है जास्ती है। तो मान लीजिए इस क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन की क्या है जास्ती है, यानी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां उपस्थित है इस क्लोरीन के पास। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तीन क्लोरीन यहां पहले से है, एक क्लोरीन एटम और चला गया तो कितने क्लोरीन एटम आ गए चार सीएल फोर, कौन से चार्ज निगेटिव चार्ज के साथ और सीएल पे कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज। अरे बात समझ में। तो अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेप की ओर जो इसका इंटरमीडिएट स्टेट होता है और वह स्टेप जो है थोड़ा स्लो होता है थोड़ा धीमा होता है। अरे बात समझ में, वह स्टेप कैसा होता है थोड़ा स्लो होता है थोड़ा धीमा होता है यानी स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड तो देखा जाए डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यहां अपने पास क्या है यहां एक एच रहता है क्या अपने पास, सभी पे एक एक हाइड्रोजन एटम है यानी सी एच सी एच सी एच और इसका रिएक्शन करा दिया जाए सी एल टू से, किससे कराया जाए सी एल टू से। और यह रिएक्शन जो है थोड़ा स्लो होता है, कैसा होता है स्लो फ्लो होता है। अब प्रोडक्ट मत लिखिए, हमने 11th में देख रखा है रेजोनेंस, क्या देख रखा है रेजोनेंस। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जो है हम ऐसे डबल वेव सिस्टम के द्वारा दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं ऐसे डबल एरो के द्वारा दिखाते हैं, जिस सिस्टम को क्या बोला जाएगा डबल वेव सिस्टम, क्या बोलते हैं हम लोग डबल वेव सिस्टम। तो इस चीज को देखने के लिए पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6 यानी सभी कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन एटम उपस्थित रहेगा क्या रहेगा। तो हम लोग देख लेते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहां पे है डबल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड क्या अगर ये यहां पे एच है, यहां पे एच तो है तो एच यहां पे रहेगा और एक अटैक कौन कर रहा है हमारे पास क्लोरीन, कौन अटैक कर रहा है इस पर क्लोरीन। तो ये बॉन्ड अगर मान लीजिए सपोज दैट टूटा है
ये बॉन्ड अगर टूटा है तो यहां कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज आ गया मतलब हमारे पास एक क्लोरीन है और इस क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, नहीं बोल रहा है कोई। यहां पे हमारे पास क्लोरीन में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और ये कहां जाना चाहेगा, जहां पे निगेटिव चार्ज है। तो अगर ये बॉन्ड टूटा सपोज दैट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव, और यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां का निगेटिव और क्लोरीन का पॉजिटिव मिलके एक बॉन्ड बनाएगा, क्या क्लोरीन आ गया है क्या, यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा अपने पास, पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तुरंत यह बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां क्या आ जाएगा, निगेटिव, और यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यानी यहां जब पॉजिटिव आ गया, यहां जब निगेटिव आ गया, तो पॉजिटिव निगेटिव मिलके एक बॉन्ड बनाएगा क्या, यहां बनाएगा। तो फिर कहां पॉजिटिव आ गया, यहां पॉजिटिव। यानी सेकेंड स्टेप में जो है, Cl H यहां डबल बॉन्ड आ गया और यहां कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड पुनः उसी प्रकार टूटेगा और यहां आ जाएगा निगेटिव, यहां आ जाएगा पॉजिटिव, यहां का निगेटिव मिलके यहां एक बॉन्ड बनाएगा क्या, बनाएगा। Cl और यहां क्या आ गया, H डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहां कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। आ रहा है बात समझ में। अब मान लीजिए अगर यह बॉन्ड ब्रेक होता है H का, तो H के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहां कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। तो फाइनली जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आया, एच सी एल प्लस चार्ज, या प्लस को हम ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो फाइनली प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन के आ गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया Cl, क्या आ गया Cl, और बाहर क्या निकल गया हमारे पास, H प्लस आयन। ये रेजोनेंस में मैंने बताया भी था आप लोगों को, पहला स्टेप जो है वह कुछ इस प्रकार है, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप, स्टेप थर्ड जो है थोड़ा सा देख लेते हैं, टाइम खत्म हो चुका है। स्टेप थर्ड जो है वह पुनः जो हमारे पास H प्लस आया है वह रिएक्शन करेगा AlCl4 के साथ, और इस पर है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके बाहर क्या निकल जाएगा, HCl, और जैसे मैंने इलेक्ट्रोफाइल लिया था AlCl3 के रूप में वह क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये है इसका रिएक्शन मैकेनिज्म, इसको मैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, एक बार डिक्टेट करूंगा। टाइम खत्म हो चुका है, टाइम को ध्यान में रखते हुए लेक्चर को यही एंड किया जा रहा है। इसको पढ़िए, समझिए और इस पे मेहनत कीजिए। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, दो तीन बार में देखिए, चार बार में देखिए, लेकिन देखिए, ये रेजोनेंस की घटना हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, या आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी जगह मिल जाएगा, इसको अच्छे से देखना, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।